हाय एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी बहन भाइयों के लिए राम राम। आज हम आपके लिए बताएंगे पर गुलाब एक पौधे पर तीन या चार कलर कैसे आएंगे, वह कौन सा गुलाब होता है और आपको गुलाब का पौधा कब लगाना चाहिए। तो फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने वीडियो बहुत दिन बाद डाली है, जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हमारा जो आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं गुलाब वाइट, इसे हम कश्मीरी गुलाब कहते हैं। फूल की बात करेंगे तो इस पर इतना सुंदर फूल आता है, बहुत ही सुंदर। अब जो आप मेरा अगला पौधा नेक्स्ट देख रहे हैं अडेनियम का पौधा, अडेनियम की बात करेंगे, इसकी रखरखाव की, इसमें पानी बहुत कम पड़ता है, इसमें पानी बहुत ही कम डालें। अगर आपने पानी ज़्यादा इसमें अडेनियम में डालते हैं तो ये हमारा पौधा सूख जाता है। अडेनियम का पौधा अगर आप नर्सरी से लाएंगे 180 या 220 रुपए के बीच में आपको मिलेगा। फ्लोरिंग की बात करेंगे तो यह पौधा बहुत ही अपने आप में अलग दिखता है और यह पौधा बहुत ही खूबसूरत फूल देता है। जो मेरा नेक्स्ट पौधा कश्मीरी गुलाब है वह संतरी कलर का गुलाब है। इस गुलाब की फूल की बात करेंगे तो इसमें जितनी गर्मी पड़ती है इतने ही फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। फूल की बात करो तो इसमें सर्दी में फूल कम आते हैं और गर्मी बरसात, जितनी गर्मी बरसात आप देखेंगे उतना ही फूल आएगा। मार्केट से इस पौधे को लोगे तो आपको 180 या 220 के में मिलेगा। अगर आप इसकी कटिंग की बात करेंगे तो यह पौधा ग्राफ्टिंग से होता है। अब जो मेरा नेक्स्ट पौधा है जीनिया का पौधा, यह पौधा बहुत ही अच्छा फ्लोरिंग देने वाला, एक ही पौधे पर मिक्स तीन कलर का चेंज होता है। इसमें नर्सरी वाले ने तीन पौधे लगा रखे हैं, यह रंग बिरंगे जीनिया का पौधा फूल खूब फूल देता है। अब आप देख रहे हैं सीजन फ्लावर का मौसम चल रहा है, गर्मी वाला जीनिया का पौधा अगर आप नर्सरी से लेंगे तो आपको 60 या 40 रुपए के बीच में मिलेगा। अगर इसकी पौध लेंगे तो आपको ये 20 रुपए में मिलेगी। फूल की बात करेंगे तो इसका फूल कम से कम एक फूल एक महीने तक खिला ही रहता है। अब जो मैं गुलाब कह रहा था कश्मीरी गुलाब, एक ही गुलाब पर तीन या चार कलर के फूल आते हैं, वह कौन सा गुलाब है जो कि आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। संतरी, पीला, ऑरेंज, सफ़ेद, गुलाबी, मिक्स गुलाब आता है। इसमें कोई ग्राफ्टिंग नहीं करी, एक ही गुलाब पे आप रंग बिरंगे फूल देख सकते हो। देखो संतरी, पीला, फिर वाइट हो जाएगा। इसकी फूल की बात करेंगे तो इसे बारहमासी फूल देता है। बस इसमें आप वर्मिंग कंपोस्ट गोबरी खाद डाल दो और आपका गुलाब खूब फूलों से लथपथ हो जाएगा। जैसे कि आप यह गुलाब देख रहे हैं, ये ज़मीन में लगा हुआ पौधा है, कम से कम 4 या 5 साल पुराना पौधा है। इसकी समय समय पर हम कटिंग करते हैं। यह पौधा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब हम इसको अगले महीने सपोर्ट यानी सपोर्ट लगाएंगे जिससे ही खड़ा हो सके और जब चारों तरफ से फूल दिखाएंगे तो इस पर एक तरह का गुलदस्ता जैसा फूल नज़र आएगा। अब इसकी कटिंग की बात करेंगे तो इसका सही समय कटिंग का है नवंबर का महीना। इसे आप नवंबर के महीने में कटिंग काट सकते हैं। अगर नवंबर से पहले आपने गुलाब काट दिया तो यह गुलाब का फूल इस तरह से फूल देना स्टार्ट कर देगा और आपका बंद का फूल नहीं आएगा। तो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट से पौधे लेने गया था। आप भी इन पौधों को पसंद करते हो, अगर पौधों से प्यार करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं पौधों की आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, पौधा कहाँ पर रखते हैं, किस प्रकार से अपना बगीचा लगाना चाहिए, कौन सा बीज किस मौसम में बोया जाता है, सीजन प्लांटों में पानी किस प्रकार से डालना चाहिए। तो आप जो भी देख रहे हैं यह पौधा जीनिया का पौधा, रंग बिरंगे फूल आते हैं। अगर आप जीनिया नर्सरी से लाएंगे तो एक गमले में 2 या 3 लगाएंगे, उससे यह होगा आपका गमला भी बहुत सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।